चिकन होने वाला ही है। थोड़ा सा मैंने वो कर रखा है फ्राई पैन में, चिकन भी पक गया है तो हम उसमें ऐड करेंगे, तभी टेस्ट आता है थोड़ा सा कलर चेंज करने से। ये इधर लिखो दिखाना, मैंने निकाल रखा है, सारे मसाला भून गया है तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए पानी। अब इसमें डाल देते हैं हम चिकन, डालो और इसको मिक्स कर दो। तो कभी तुम भी बोल लिया करना, सीखो। हाँ बेटा, पापा की तरह तुम मत बनना। और इसने ऐड कर दिया है, मैंने नहीं ऐड किया इन्होंने। गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हो? ऐसे फोन ऊपर करूँ, ऐसे करूँ, कैसे करूँ? क्या अभी बनाएंगे बटर चिकन? बटर चिकन खाओगे? हैं? तो अभी जा रहे हैं हम बटर चिकन बनाने, आपको दिखाती हूँ रेसिपी। इधर हर्षित सो रहा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हिसाब किताब में लगे हैं। अब मैं जा रही हूँ बटर चिकन बनाने किचन में। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसको मैरिनेट के लिए रखूँगी अभी मैं बटर चिकन के लिए। इसमें भी बने रहना, अदरक लहसुन के पेस्ट डालती हूँ मैरिनेशन करने के लिए, फिर नमक डालती हूँ, फिर इसको रख दूँगी लाल मिर्ची डाल के 10 से 15 मिनट तक। मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया है, ये लाल मिर्ची डाल रही हूँ मैरिनेट कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा नमक। बस इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे अभी। इस तरह से मिला के हम रख देंगे आधी किलो चिकन है 10 से 15 मिनट तक। तब तक मैं प्याज टमाटर का वो बना लेती हूँ, छील लेती हूँ, उनको दिखाती हूँ। पहले प्याज टमाटर छील लेती हूँ। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, इसमें अभी तेल डालती हूँ। इधर मैंने लहसुन प्याज एक ही में मिला रखा है, इसको अच्छे से भुनेंगे अभी ब्राउन होने तक। इसमें डाल देंगे, तेल गर्म हो गया है। अब इसको मैंने जो प्याज लहसुन इसी में मिला रखा था, इसको इसमें डाल देंगे, फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। गैस को तेजी रख, इस तरह के से ब्राउन करेंगे और इसमें डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर को थोड़ी देर पकाएंगे। और इसको पकने देंगे थोड़ी। एक फैन में मैंने ले लिया है, तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा चिकन को फ्राई करेंगे इस तरह के से। अभी चिकन दिखाते हैं, तेल हो रहा है गरम। इस तरह से ऐड कर देंगे, हल्का सा डीप फ्राई नहीं करना है, इसको हल्के हल्के फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बटर चिकन के लिए है। और ये मसाला मेरा हो गया है तैयार, इसको निकाल लेती हूँ, ठंडा करके मिक्सी में पीस लेती हूँ, तब तक बने रहे। इस तरह से मैंने निकाल लिया, क्या कर रहा है, इस तरह से मैंने निकाल लिया थोड़ा फ्राई करके तंदूरी बना के। इधर मैंने वो तेल बच गया था मसाला जब मैंने भुना था, तेल वेस्ट नहीं किया, उसी तेल अभी का फ्रेश है। तो मैं कुछ खड़ा मसाला डाल रही हूँ जो पैकेट में आता है 10 रुपये का, ये सारे इसमें मिला हुआ है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे, सब कुछ इसमें मिली हुई है। और इधर ही मैं तंदूरी बना रही हूँ फ्राई पैन में, पैन में इस तरह से। उसके लिए बटर चिकन के लिए जो मैंने मसाला पीस रखा है वो इस तरह के इसी कलर है जो मैंने भून के रखा था। तब तो इसमें ऐड करके दिखाती हूँ अभी। ये मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। बटर चिकन के लिए अच्छे से पीस रखा है मैंने मीन, अब इसको मिलाते हैं अच्छे से। पहले से मसाला हमने भून लिया था, तो इसमें मैं हल्दी डालती हूँ थोड़ा सा, लाल मिर्ची। तो मसाला पहले से ही वो भून चुका था ना, प्याज टमाटर भुना था, भून के मैंने पीसा है, तो ये लाल मिर्ची ऐड कर दी है। धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार,
और इसमें चिकन मसाला ऐड कर देते हैं। ये चिकन मसाला इसको अच्छे से भूनते हैं, मसाला ही भूनना है क्योंकि वो तो पहले से भून रखा है प्याज टमाटर। तो चिकन के लिए इस तरीके से बनाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं, हल्का सा भून लिया तो देख सकते हैं इसका तेल छूटने लग गया है मसाले का। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मलाई, ऐड कर देते हैं क्योंकि क्रीम तो है नहीं, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध का मलाई इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मलाई डाल सकते हो आप, और क्रीम ना हो तो मलाई से काम चल जाता है। और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैंने जो मिला दिया, हंसते तो रुक नहीं रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी बर्तन फेंक रहा है, क्या कर रहा है। तो मैंने मिला दिया है, गैस को कर देते हैं तेज थोड़ा। और इधर चिकन होने वाला ही है, थोड़ा सा मैंने वो कर रखा है फ्राई पैन में, चिकन भी पक गया है तो हम उसमें ऐड करेंगे, तभी टेस्ट आता है थोड़ा सा कलर चेंज करने से। ये इधर रिपो दिखाना, मैंने निकाल रखा है, सारे मसाला भून गया है। तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए पानी। अब इसमें डाल देते हैं चिकन, डालो और इसको मिक्स कर दो। तो कभी तुम भी बोल लिया करना, सीखो। हाँ बेटा, पापा की तरह तुम मत बनना। और इसमें ऐड कर दिया है, मैंने नहीं ऐड किया, इन्होंने। इस तरह के से बटर चिकन बनके हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा मलाई कम हो गया है, क्रीम अगले बार में लाएंगे। इस टाइम दूध थोड़ा था ना, इसलिए मैंने कम डाला है। और रोटी सब्जी और सलाद ना हो, ऐसे हो सकता है आप सलाद के साथ चटनी ना हो। भंग की चटनी है और धनिया की चटनी है। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा हेल्प चाहिए, कुछ भी नहीं। वैसे तो और भी बना लेती वीडियो काम करते, पर क्या करती हूँ ना, मेरे पति काम पे चले जाते हैं, काम से आते हैं तो थके हुए आते हैं, तो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चा है मेरा छोटा, इसलिए नहीं बना पाती हूँ। कभी अगर टाइम मिलेगा तो पूरी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।